गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए उपद्रव का अयोध्या के संतों ने विरोध किया है। संतों का कहना है कि लाल किले में उपद्रव करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला की घटना को काफी दुखद बताया। परमहंस दास का कहना है कि सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही थी, ऐसे में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। ये देश के जयचंद और गद्दार हैं, ये हिंसक उग्रवादी हैं, जो चाइना, पाकिस्तान और खालिस्तान के समर्थन में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसमें शामिल राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, लेकिन इन लोगों ने तिरंगे तक का अपमान किया। ये किसान नहीं है, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज तक जो आप लोग सुन रहे थे किसान किसान किसान, बहुत दिन से सुन रहे थे हम सब लोग किसान आंदोलन किसान आंदोलन, लगातार सरकार जो है तो उनका सम्मान कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, लेकिन अगर किसान हो तब तो बात उनके समझ में आए। आज पूरे देश ने देखा ये हिंसक उग्रवादी हैं, ये पाक परस्त हैं, ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये देश विरोधी, ये जयचंद देश के गद्दार हैं। आज जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, यह भारतीय नहीं हो सकते हैं, इनके अंदर भारतीय रक्त नहीं है, इनके अंदर भारतीय संस्कार नहीं है। हमारे देश की आन बान शान तिरंगा है, और तिरंगे का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। परमहंस दास ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार कर जेल में भेजना चाहिए। आज पूरा देश शर्मसार है कि किसान की आड़ में नकली किसानों ने देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया।